अस्सलाम वालेकुम गाइस, एक्सरसाइज इंप्रूवमेंट चल रही है। क्वेश्चन नंबर अब 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो क्वेश्चन नंबर 13 में ये कह रहा था कि सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, कहता है कि एक, मैं यहां पे बना देता हूं, एक आपके पास सर्कुलर वायर है जिसका जो रेडियस है वो है 6 सेंटीमीटर। ये कुछ अजीब सी चीज बन गई है, कंप्लीट सर्कल नहीं बना। So, एक सर्कुलर वायर है उसका कहता है कि जो रेडियस है वो है 6 सेंटीमीटर। कहता है जब इसको मैं कट करके कहीं से भी कट करो और उसको स्ट्रेट फॉर्म में ले आओ, और देन वो आगे बात करेगा, एक कहता है कि हुप है और उसका जो रेडियस है वो है हमारे पास 24 सेंटीमीटर। हाँ, 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो कहता है कि ये जो हमारे पास एक हुप का जो रेडियस है वो है हमारे पास 24 सेंटीमीटर। कहता है कि ये जो वायर है, ये जो मैंने इस 6 सेंटीमीटर सर्कुलर वायर को मैंने कट करके स्ट्रेट कर लिया था, कहता है अगर इसको मैं बेंड करूं, यहाँ पे इसके क्रॉस अगर बेंड करूं तो राउंड अबाउट अगर मैं कहता हूं कि ये यहाँ पे इस तरह आ जाएगी, अगर इस हुप के क्रॉस मैंने बेंड किया। So, कहते हैं कि यहां पे हमारे पास जो एंगल है थीटा, इस स्टेटमेंट को देख लेते हैं, फाइंड करने में कर, कहता है फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल व्हिच इज सब्सटेंस एट द सेंटर ऑफ द हुप। तो कहता है कि हुप का यहाँ पे जो सेंट्रल एंगल आएगा वो हमारे पास कितना होगा, अगर एक वायर जो मैंने 6 सेंटीमीटर की सर्कुलर वायर थी उसको कट करके स्ट्रेट किया और बेंड कर दिया हुप के क्रॉस, और इट मींस हमें यहाँ पे इसकी लेंथ भी चाहिए होगी। मींस यहाँ पे दो अननोन पैरामीटर्स हैं, दो अननोन वेरिएबल्स हैं, तो L की वैल्यू पहले मैं फाइंड आउट करूंगा, L की वैल्यू हम फाइंड आउट करने के बाद थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सो सबसे पहले अब L हम कैसे निकालेंगे, इसको यहां पे मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं R ऑफ डैश से, क्योंकि R मैं ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि जो L इक्वल्स टू R थीटा के रिलेशनशिप में जो वैल्यू पुट होनी है वो ये होनी है, ना कि R डैश होनी है। सो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम जो है वो है L की वैल्यू फाइंड आउट करना है। L हम कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, हमें ये तो पता है कि जो सर्कमफ्रेंस का जनरल फॉर्मूला है, किसी भी सर्कुलर रीजन की जो सर्कमफ्रेंस है वो हमारे पास क्या होती है, सर्कमफ्रेंस वो होगी हमारे पास 2 पाई r, लेकिन यहां पे मैं r डैश लगाऊंगा बिकॉज मैं उस सर्कल की बात कर रहा हूं उसकी हम सर्कमफ्रेंस फाइंड कर रहे हैं। सर्कमफ्रेंस फाइंड करोगे तो एक सर्कुलर लेंथ फाइंड कर रहे हो बेसिकली आप, उसको फिर हम बेसिक स्ट्रेट करें तो लेंथ तो वही रहेगी। सो 2 पाई आर डैश जो कि हमारे पास है कितनी 6, और सर्कमफ्रेंस को यहां पे मैं एल से रिप्रेजेंट कर सकता हूं जो कि यहां से लेकर यहां तक हमारे पास एक्चुअली इसकी लेंथ होगी। सो ये अब हमारे पास कितना आ गया 12 पाई, और यूनिट इसका वही होगा जो कि हम लोग यूज कर रहे हैं और वो है हमारे पास सेंटीमीटर्स। तो एल हमारे पास आ गया, L हमारे पास है, R की वैल्यू हमारे पास है 24 सेंटीमीटर, तो थीटा हम निकाल लेते हैं, थीटा की वैल्यू देख लेते हैं। L इक्वल्स टू R ऑफ थीटा, हमें फाइंड आउट करना है थीटा, थीटा को पहले लेफ्ट पे ले आओ, L डिवाइड बाय R, थीटा हमारे पास आ जाएगा, L की वैल्यू हमारे पास कितना है 12 पर, और R की वैल्यू है 24, इसको कैंसिल आउट कर दो, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास पाई बाय 2, और ये आ गया हमारे पास, अगर हम डिग्रीज में वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे होता है ये 90 डिग्री है, हमें ऐड किए आंसर जो है वो किस पे लेके आने हैं, बस रेडियस में आना है, जैसे रेडियस में जो भी आपके पास आंसर आ जाएगा एंगल का वही हमारे पास फाइनलाइज आंसर होगा। तो ये हमारे पास आ गया पाई बाय 2 रेडियंस। सो अगर आपको कहीं भी सर्कल्स में कंफ्यूजन है, किसी स्टेटमेंट में कोई कंफ्यूजन है, कहीं भी कोई कंफ्यूजन है, आप शेयर करो, मैं साथ साथ आपकी क्लियर कर दूंगा। सो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, एक न्यू सिनेरियो, एक न्यू क्वेश्चन के साथ, एक न्यू स्टेटमेंट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।